मंगलवार को इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के बरेली लोकसभा उम्मीदवार प्रवीण सिंह एनन और आंवला लोकसभा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने नामांकन कराया। दोनों अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने बरेली लोकसभा सीट से प्रवीण सिंह एनन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को मैदान में उतारा गया है, जिसको लेकर आज दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन करवाया है। नामांकन कराने आए हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो है हर जगह बनी हुई है। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता, बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता, ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है कर्मों अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया, ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्ज में डूब गया। हमारी GDP का, सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी उसकी UPA की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो GDP की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आए कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं, वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई, अब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर हैं तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। 400 पार की नारा दे रहे हैं, 400 पार हो जाए। एक मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है, भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं, शायद अभाव है, उसको भी हम देखवाएंगे और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को चेक भी किया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन 100% सुनिश्चित किया जाए। और ये ना हो कि विपक्ष के लोगों को प्रचार करने में, अब नॉमिनेशन में भी अगर दिक्कत होगी विपक्ष के लोगों को तो वो सही नहीं है। देखिए, हम जाति के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। हम जाति राजनीति नहीं करते, ना हम जाति करते हैं ना सांप्रदायिक करते हैं, जो करते हो उनको मुबारक। हमारा एक एक पहलू, हमारे समाज, हमारे व्यक्तिगत, हमारा राजनीतिक, हमारा सामाजिक, सारे सरोकार पूरी जनता जानती है। तो हमारे लिए इस कुर्मी समाज का बड़ा समर्थन है, ना सिर्फ कुर्मी समाज का, अगर कुर्मी समाज का समर्थन नहीं होता तो हम 2009 में ही नहीं जीतते। और इस बार आप देखिएगा, इस बार हमारे नामांकन से लेके आप सारी भीड़ में देखिए ना कितने कुर्मी समाज के लोग हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया है, ये राजनीतिक चाल है कि साहब कुर्मी वहाँ है, यादव वहाँ है, कोई बोलाना यहाँ है, सब समाज हमारे साथ सामने होते, ये कैंडिडेट सामने हैं दोनों में। हम संतोष जी के नाम से ही तैयारी कर रहे थे और आज भी हम संतोष जी हैं, हम भाजपा के मोदी फैक्टर के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और उससे भी हम मुकाबला करने को तैयार हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय मुद्दों में सबसे बड़ा है किसानों की परेशानी। अन्नदाता हमारा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और अन्नदाता अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, फसल को रखाने के लिए रात रात भर, सर्द रातों में जब 3 डिग्री पारा होता है तो वो खेत की मेड़ पे खड़ा होता है। हम गांव में जा रहे हैं तो महिलाएं मुझसे कह रही हैं कि हम इस बार साइकिल का बटन दबाएंगे, आप हमको ऐसी व्यवस्था देना कि हमारे लोग, हमारे परिवार के मुखिया रात में घर में सोएं। और गाय माता भी बहुत दुखी है, गाय माता इतना दुखी है कि वो तड़प तड़प के मर रही है
और ये भाजपा वाले कहते थे हम गौ रक्षा करेंगे, कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, गाय माता परेशान है, मर रही है। सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है, हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। आपने देखा कि लगभग 60 हज़ार नौकरियां निकली थी कॉन्स्टेबल की, 60 लाख फार्म भरे लोगों ने। क्या महंगाई, क्या है बेरोजगारी दर, तो रोजगार वो भी परेशान। महंगाई का ये आलम है कि हर गरीब आदमी दो वक्त का सही भोजन नहीं कर पा रहा है। आज भी गाँव में 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हमारे यहाँ की भुखमरी के जो पूरे वर्ल्ड की एक लिस्ट है, उसमें इंडिया पहले 55 पे था, अब वो पहुँच गया है 113 के ऊपर। तो यही है विकसित भारत, विकसित भारत यही है क्या? बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं इस बार 300 के पार जाएंगे, कल डिप्टी सीएम आए वो 500 के पार का नारा लगा रहे थे औला से। ये सब बड़बोले लोग हैं, बड़बोले लोगों को क्या बोल दो, कुछ भी बोल दो। जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में कुर्सियां नहीं भर पाए, अगर आप गए हो तो देखिए जाके जो कुर्सियां लगाई थी वो कुर्सियां नहीं भरी। क्या लग रहा है जिस हिसाब से? अच्छा लग रहा है, जनता हमको समर्थन दे रही है और आंवला में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा इसका।